हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक हियर टू स्टार्ट विद अ न्यू पार्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक। आई एम गिविंग यू सम लाइंस फ्रॉम एग्जाम्स रिलेटेड। लेट अस स्टार्ट। चलिए अब चलते हैं कूलम्स का अध्यारोपण नियम स्टार्ट करते हैं। तो कूलम्स का अध्यारोपण नियम जानने से पहले पहले क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आपस में। तो इसको बोलते क्या है, कूलम्स का अध्यारोपण नियम। तो इस नियम के अनुसार जो होता है, इस नियम के अनुसार किसी एकांक आवेश पर, मान लीजिए ए क्या हो गया, एकांक आवेश हो गया, किसी एकांक आवेश पर उसके चारों तरफ से क्या होते हैं, बहुत सारे आवेशों द्वारा बल को उत्पन्न किया जाता है और उस बल को सदिश रूप में लिखा जाता है, उसी बल को सदिश रूप में लिखा जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम का अध्यारोपण नियम। अब आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कूलम का अध्यारोपण नियम। किसी एकांक आवेश पर क्या था, किसी एकांक आवेश पर, जैसे क्यू नोट क्या हो गया, एकांक आवेश हो गया। क्यू नोट जो है मेरा, क्यू नोट क्या हो गया, एक एकांक आवेश ले लिए। क्यू नोट एक जो है अकेला आवेश है, एकांक आवेश है, और इसके नजदीक बहुत सारे आवेशों को रखते हैं, बहुत सारे आवेशों को। जैसे क्यू नोट जो हो गया मेरा एकांक अकेला आवेश ले लिए, और इसके इसके नजदीक बहुत सारे आवेशों को क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे हो गया Q1 ले लिया, ठीक है, फिर ले लिया Q2, फिर उसी तरह से थोड़ा डिस्टेंस में लिखते हैं, ठीक। तो क्यू नोट एक एकांक आवेश, और इसके चारों तरफ से निकट इसके क्या रखते हैं, बहुत सारे आवेशों को रखते हैं, बहुत सारे आवेशों को रखते हैं। जैसे क्यू नोट एक एकांक आवेश, अकेला आवेश, और Q1 जो है इसका Q1 जो है इसके नजदीक रखे हैं। Q1 क्या किए हैं, उसके नजदीक रखे हैं, एकांक आवेश के लगभग नजदीक रखते हैं, ठीक। Q1 हो गया, उसी प्रकार से Q2 हो गया, उसी प्रकार से Q3 हो गया, ठीक है, Q3 उसी प्रकार से Q4 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिएगा, क्यू नोट जो है एकांक आवेश, और ये जो है बहुत सारे आवेश है, और ये जो है बहुत सारे आवेश जो है, ये जो है इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, क्यू एन तक जा सकते हैं, क्यू एन तक जा सकते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्यू नोट जो है, क्यू नोट एक अकेला आवेश, और इसके बहुत सारे आवेश को रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं। फिर क्या होता है, कूलम के नियम के अनुसार इनके बीच में एक फोर्स उत्पन्न होता है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। तो उसी को क्या करते हैं, उसी को सदिश रूप में लिख देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कूलम का अध्यारोपण नियम, दैट फॉर सिंपल। हम आगे चलते हैं, क्यू नोट एक एकांक आवेश, Q1, Q2, Q3, Q4, डॉट 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 कहाँ तक, Qn तक, Q1 तक रखेंगे। ये अप्लाई कहाँ तक होगा, Qn तक, इन्फिनिटिव तक ये चीज को रखेंगे। आप आगे देखिएगा, क्यू नोट और Q1 के बीच में क्या हो जाएगा, जिस तरीका से Q1 है उसी तरीका से इसका डिस्टेंस को R1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ले लिए F1 सदिश, ये जो F1 है, यही F1 जो है कूलम के नियम के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर रहा है। अगर हम सब बहुत सारे आवेश को एक एक अकेला आवेश के सामने रखते हैं, तो हर एक आवेश के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का निर्माण होता है। और डिस्टेंस जितना R1 रहेगा उतने दूरी पे सब होने चाहिए, और आगे पीछे भी अगर होता है तो क्या होगा, उसमें फोर्स जैसे कि दूर हो जाएगा तो हल्का क्या होगा, फोर्स कम जनरेट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उसी प्रकार से Q2 हो गया, तो R2 F2 सदिश, उसी तरीका से R3 F3 सदिश, क्लियर। उसी तरीका से क्या हो जाएगा, Qn है ना, तो Q1 है, तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, Q1 है, तो Qn Fn सदिश, Qn Fn सदिश, क्या हो गया, Qn Fn सदिश। आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आता होगा। क्यू नोट जो है एक अकेला आवेश है, और इसके चारों तरफ बहुत सारे आवेश आ गए, और हर एक आवेश के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का निर्माण होता है, और ये जो होता है कूलम के नियम के अनुसार होते हैं, और
और इन सदिशों इन आवेशों को क्या करते हैं, इन आवेशों को एक सदिश रूप में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो फिर बोलते हैं कूलम का अध्यारोपण नियम। और ये जो फोर्स होते हैं ना, क्यू नोट के क्या होते हैं, इज इक्वल टू बराबर होते हैं। ये जितना भी फोर्स आता है वो सब क्या होते हैं, सब क्यू नोट के बराबर होंगे। इसी चीज को उन्होंने बोले हैं कूलम का अध्यारोपण नियम। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से क्या हो गया, कूलम के नियम के अनुसार एफ सदिश बराबर, कूलम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू वन, ठीक है, क्यू वन क्यू टू बटा में आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? तो अब यहाँ पे आर क्या, ये जो सभी सदिशों को क्या कर रहा है, सभी सदिशों को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख के क्यू नोट के बराबर होते हैं। ये जो इनका डिफिनेशन ही कहता है कि इस नियम के अनुसार एकांक आवेश के चारों ओर बहुत सारे निकट आवेश को रख देते हैं, तो सभी आवेश के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जनरेट होता है। अच्छा, जब जनरेट होता है, अगर इसमें जनरेट हुआ तो इन आवेशों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस प्रकार से इसमें जनरेट हुआ तो इन सारे आवेश में कोई सारा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसमें भी होगा तो इन सब इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब क्या होते हैं, क्यू नोट के बराबर होते हैं, सब सारा जितना वेक्टर फॉर्म में आएगा सब क्यू नोट के बराबर होते हैं, तो उसको बोलते हैं कूलम का अध्यारोपण नियम। आगे चलते हैं हम लोग, ये हो गया एफ एफ सदिश बराबर ये। अब देखिए, अब मेरा क्या है, एफ वन सदिश, तो एफ वन सदिश बराबर हो जाएगा 1/ ये वाला कहाँ से किया है, कूलम का जो सदिश रूप है, उस सदिश के रूप में हम सारे बल को क्या कर रहे हैं, सारे बल को लिख रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, क्यू नोट क्यू वन, ठीक क्या हो गया, क्यू वन है तो आर वन, आर वन यहाँ तक क्लियर, आर वन क्या, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा आर वन का स्क्वायर। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इनका क्या कर रहे हैं, सदिश रूप निकाल रहे हैं, इन सभी बलों का क्या कर रहे हैं, सदिश रूप में निकाल रहे हैं, सभी बलों का सदिश रूप में ज्ञात कर रहे हैं। तो बस ध्यान दीजिए, तो इस देखिए 1/4 पाई क्यू नोट के द्वारा ना हो रहा है क्यू वन पर, या क्यू नोट जो है, क्यू नोट जो एक एक अकेला आवेश की वजह से ना हो रहा है, इसलिए क्यू नोट लिखे हैं। तो क्यू वन फिर क्या हो गया, आर वन, डिस्टेंस आर वन है तो आर वन लिख दिए, सिंपल सिंपल। अब आगे चलते हैं, एफ टू सदिश में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, फिर क्या हो जाएगा, क्यू नोट एफ टू, क्यू नोट क्या हो जाएगा, क्यू नोट, फिर हो जाएगा क्यू टू बटा में आर टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर आर टू का कैप, एफ टू निकल गया, एफ टू को हम लिख लिए, एफ टू को किस में लिखे, क्यू टू फॉर्म में लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट, क्यू नोट के द्वारा हो रहा है, एक अकेला आवेश होने के वजह से हो रहा है, इनके बीच में फोर्स उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम क्यू नोट सब में लिखेंगे, बस क्यू नो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ये जो है इस चीज को खाली चेंज करते चलेंगे। अब एफ थ्री चलते हैं, एफ थ्री सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, फिर हो जाएगा क्यू नोट क्या, फिर क्या हो जाएगा, क्यू नोट क्यू थ्री बटा में आर थ्री का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आर थ्री का क्या, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं एफ फोर सदिश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट, फिर क्या हो जाएगा क्यू फोर, फिर हो जाएगा आर फोर का स्क्वायर आर कैप। ये समझ में आया, इन सभी बलों को क्या किए, सभी बलों को सदिश रूप में, सभी बलों को क्या कर रहे हैं, सदिश फॉर्म में लिख रहे हैं, सदिश फॉर्म में लिख दिए। अब टोटल बल क्या हो जाएगा, टोटल बल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बल डायग्राम मिटा देते हैं, ठीक है, उतार लीजिएगा आप लोग। अब देखिए तो क्या हुआ, टोटल बल मेरा क्या आ जाएगा, टोटल TOTL, टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स जो है मतलब एफ सदिश बराबर क्या आया, एफ सदिश बराबर एफ वन सदिश आर वन, एफ वन सदिश यहाँ डायरेक्ट एफ वन लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो एफ सदिश बराबर क्या आया, एफ वन सदिश एफ टू सदिश, फिर उसी तरीका से एफ थ्री सदिश, फिर उसी तरीका से क्या आया, एफ फोर सदिश। ये जो सभी सदिश जो आ रहे हैं एफ सदिश के क्या हो रहे हैं, इज इक्वल टू हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। और ये कहाँ तक चले जाएंगे, जिस तरीका से
क्यू एन तक जा रहे थे, उसी तरीका से एफ एन तक जाएंगे। आइए हो गया, इसी इसी को क्या बोलते हैं, कूलम का नियम। मतलब सभी सदिश का जो वेक्टर फॉर्म होता है एक फोर्स के इजिकल टू होता है, एक फॉर्म के इजिकल टू होता है। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, कूलम का अध्यारोपण नियम। इस नियम के अनुसार एकांक आवेश पे एकांक आवेश पे बहुत सारे आवेश को क्या करते हैं, उनके नजदीक ले जाते हैं, और सभी आवेशों के द्वारा मतलब सभी आवेशों के द्वारा सबसे पहले कूलम ने देखे सबसे पहले कि सभी आवेशों के द्वारा क्यों, मतलब एक एकांक अकेला आवेश पे क्या हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है। तो फोर्स जब जनरेट हुआ तो उस फोर्स को क्या किए, वेक्टर फॉर्म में देखे कि सब जो है सबका सदिश रूप एक फोर्स के इजिकल टू हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर, मतलब सभी फोर्सों को सदिश रूप में लिखा जाता है, सभी फोर्सों को सदिश रूप में ज्ञात करते हैं। तो इस नियम के अनुसार एकांक आवेश पर बहुत सारे आवेशों द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का निर्माण करते हैं, और उन इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करते हैं, सदिश फॉर्म में लिख देते हैं, उतार देते हैं, और ये जो है सदिश फॉर्म Fn तक अप्लाई होता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बस उतना ही, मैं संतुष्ट हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं, और ये जो मेरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 18 था, अब कल आपको मिल जाएगा 19। ठीक है, बाय बाय।